महाप्रभुंकर अहितुकी करुणार परिणाम स्वरूप संप्रति सिद्धार्थ भक्तिर परम पावन कार्यक्रम भागवत टुंगी यह पवित्र कार्यक्रम जोड़ी हितिवा अगणित श्रद्धालु भक्त भाई माँ तथा गुरुजन मानकु सभक्ति जय गुरु जय जगन्नाथ दिव्यात्मन विगत पर्यायर आम मैंने आस्वादन करुले श्रीमद भागवत भगवान तृतीय स्कंदर एकविंश अध्याय कथा स्वयंभुव मनु जदियों से एकांग चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मावर्तर जड़े विशिष्ट राजा किंतु से भी परवर्ती पर्यायर संन्यास ग्रहण करी मनु आज शस्त्रीक निजर कन्या को धरी जिते कर्दम ऋषि आश्रम पहुँची ऋषि बड़ा प्रसन्न हो कहीं भगवान तुमको आगुरी कही महर्षि मनु आसी तुम आश्रम पहुँचे तेणु आज तक आतिथ्य प्रदान करदम ऋषि केमती आतिथ्य प्रदान करो आगमने नृपर धन्य ए आश्रम मोर गोविंद 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 पद गढ़ मकर तुम्भ भ्रमण ए जगते साधु जनक रक्षा अर्थे गोविंद 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 पदुगढ़ मकर असाधु जन विनाश ने निश्चले धर्मर स्थापने गोविंद 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 बोली श्रीमद भागवत भगवान की तेणु श्रीमद भागवत जो अमृतमय शिक्षा आम मानव मानक कल्याण पाई देखत सी एकांग चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु ये जड़े कपरदक सैन्य सन्यासी पाखे कि कौपिनी वस्त्र खंडे देह मध्य केते दिन लगा देखते ना भगवान को जना किंतु साधनार तेजदीप्त शरीर जिते पहुँची महर्षि मनु खाइबा को पीवा को दबा आसन दबा गोटे बड़ कथा नुहे जनक घरे पहुँचे जदि मधुर कथा टिके न मिलला ताले आमे कि बंधु आज बड़ दुख एवं परितापर विषय बड़ सौद बढ़ी जाउछि समाज रे कोटिपति परार्ध प्रति बहुत बड़ बड़ अट्टालिका किंतु जीवन सौद भांगी पड़ुछि मनीष को मनीषर जो श्रद्धा जो भल पाइबा जो आत्मीयता से जिनस दिन कु दिन तली तलांत हो जाए ये इटा सीमेंटर कांथ बड़ ही गले बड़ ही जाए मनीष जदि हृदय को हृदय भल न पाइला परस्पर को स्नेह आदर टिके न रहिला कहीं बंधुता कहीं प्रेम सुंदर जार प्रापति लगी देवता नर यही बंधुता पाई ये प्रेम पाई ये भल पाइबापी देवता माने कंगाल हुंती भगवान को पाखरे प्रार्थना करती हे महाप्रभु आमको टिके भारत वर्ष रे मनीष जन्म मिलंतानी काहेकि ना तार कारण मनीष जीवन भारत वर्ष रे मिलिबा ये भाग्यर थिले पुणे श्रीमद भागवत एकादश स्कंदरे कुआ जाइछि एणु ए स्वर्ग बासी जने चीते चिंतंती अनुक्षणे गोविंद 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 पद गढ़ मकरंद भारत भूमि मध्य जाई मनुष्य तनु आंभे पाई गोविंद 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 सच्चिदानंद भगवान की एणु ये स्वर्गवासी जने चित्ते चिंतंती अनुक्षणे भारत भूमि मध्य जाई मनुष्य तनु आंबे पाई काहेकि भारत भूमि रे भा रत भा कहिले प्रतिभा भा कहिले ज्ञान तो ज्ञान को अनुसरण अनुसरण करिया पाई बा अन्वेषण करिया पाई जोटि समस्ते रत भारत तेणु ये भारत भूमि देवभूमि ये स्वर्ण प्रसु भारत क्या आत्मीयता भल पाइबा स्नेह श्रद्धा ममता बात्सल्य भौणीर ममता मिले
भाई ठू टे स्नेह मिले भौणी ममता भाईर स्नेह पिता मातांकर आशीष पाई जाई पाई नाही जिए जीवन रे सी केहु मनीष रे मनीष जिए जीवन रे भौणी रा स्नेह कौन जानिलानी भाईर ममता कौन जानिलानी बापा मांकर आशीर्वाद कौन जानिलानी से की मनीष रे मनीष तेणु आज ये हूँ से भारत बर्ष जड़े एकांग चक्रवर्ती सम्राट महर्षि मनु पदार्पण करिसेंती गोटे ऋषि आश्रम कपरदक शून्य ऋषि किछि नाही निजर वस्त्र नाही खंडे काछा पिंधि केते दिन है गाधई नाहंती किंतु से तेजजीप्त मुखमंडल को दर्शन करी महर्षि मनुकर मुंड आपणा छाए नहीं पड़ी आज आम के बड़ उच्च स्तर साधु बोलिकी भावुचु जहाँ पाखे बहुत पैसा अच्छे बड़ ऐश्वर्य भितर जी अच्छा आज कली जुगे आम भावचे से मैंने बोधे बड़ सिद्ध सत महापुरुष ही थे ये धन सम्पत्ति सहित साधुंर कौन से नेण देने ना जहाँ को दर्शन कले ये विषयमुखी मन टे विषय विमुख है हरिमुखी हम से ही सत से ही महापुरुष किंतु आमर परिभाषा एवं बदली जाइए ऐश्वर्य को देखिए आम साधुंर साधना को तलुचे ता नुहे से साधु गछमूल बसतु कि नदीकूल बस था कि गुंफा भितर बस था जार साधन अच्छी जार भजन अच्छी से चरण से आसीगले से शरण से आसीगले जीवन कल्याण हो जाए आए भोगवाद मन करूँ आपण घरे गोटे पचा आलु अच्छी कई भिक्षुक गले आपड़ दौंस केवे देवे कहीं आप निजे जोटा खाबे नहीं अगर कम देवे तेणु जो मानक पाखक गले ऐश्वर्य मिल जाऊँगी जहाँ चाहूँ सब मिल जाऊँ जश प्रतिष्ठा सब हो आपण मैंने भावुंत चमत्कार को नमस्कार बड़ कथाटे हो गला सी सब जानते कि साधु पाखे ये सब जिनस किसी कम ना परम कारुणिक सद्गुरु बाबा श्री वैकुंठनाथ ही मर्म गोटे सुंदर कथा कहते कहे सत्यर महिमा जाने जे महात्मा विभूति से माने नाही विभूति से माने नाही विभूति तो माया मरीच का छाया विभूति तो माया मरीच का छाया विभूति तो माया मरीच का छाया विभूति तो माया अल्प काल स्थायी हो अल्प काल स्थायी अल्प काल स्थायी बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखंतु से संत महापुरुष माने किभली हृदय वाक्य को लिखिंट थोड़ी आम मानी आमर गुरुदेव जिते जलका पहाड़ मणिनाग गुंफार तपस्या कले ना खाइबा को मिलूला ना पिंधा को मिलूला ना पैसा पत्र छुंते कविता लेखला बेले लिखी एनु ही कविता साहित्य कि रम्य रचना बढ़ावापी प्रतिष्ठा मोर ना बासना लेखक समाज गणना पाई मो बांछा सत कथा पदे केवल कहवाक मो इच्छा मत किए कवि कहतु लेखक कहतु से लिखुनी जहाँ समाज मंगलकर हम जहाँ जगतर कल्याण हम मुझे लिखुची सी लिखिं सत्यर महिमा जाणीजे महात्मा विभूति से माने नाही विभूति तो माया मरीचिका छाय अल्प काल स्थायी जो मैंने सब विभूति देखा भेड़ी देखा सी अल्प काल स्थायी साधु शास्त्री भाई जाई कही विभूति के लाखुकी लगाई जनमन मोही वृथारे भंडाए लोक जय जगन्नाथ 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 विभूति बरज विभु प्रेम मज आत्मार सदगति हेब कामना बासना करिकल्पना न पालट बध जीव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले जगन्नाथ महाप्रभु की कहले विभूति बरज
विभु प्रेमे मज आत्मार सद्गति हेब ये कामना बासना करी कल्पना न पालट बद्ध जीव जोटिक गले कामनार पूर्ति होउची बासनार पूर्ति होउची आपण भूल ठिकणा रे पहुंची जाई विभूति बरज विभु प्रेमे मज आत्मार सद्गति हेब कामना बासना करी कल्पना न पालट बद्ध जीव तेणु आज संथ महापुरुष को देखी आम धन दरबार कहारे बहुत अच्छी कम अच्छी देखिले ता साधु साधुत्व नुहे तपस्या हूँ साधुर बल भजन हूँ साधुर बल जमी नामाचार्य भाइया कहले नाम अटई महाबल से बड़े जीण भूमंडल तेणु आज देखत एकांग चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु लोठी पड़ा से करदम ऋषि पाद तले कि नाई पाखर कौपिन वस्त्र खंडे कहला आज मो आश्रम धन्य होगला किए कौन करदम देखते कहते अतिथि की पाई जे हे महर्षि बा हे स्वयंभुव मनु महाराज सम्राट आज आपण को पाद पड़ी मो आश्रम धन्य होगला साधु जनक रक्षा अर्थे तुम्भ भ्रमण ये जगते तो आपण तो राजा लोक साधु सतों पर आपणकर आगमन कि मधुर कथा खावाक नदेल ना अंत तो मधुर कथार अनेक टी आतिथ्य प्रदान कर तेणु आज कपरदख शून्य हेले कौन हम आतिथ्य प्रदान करे आपण को पाद पड़ी मो आश्रम धन्य होगला जे आपण पाद पड़ी मुझे धन्य होगली आपण साधुसंत को रक्षा करती असाधु जनक दंड प्रदान करती ये मधुर कथार आग चक्रवर्ती सम्राट महर्षि मनुकर आत्मतृप्ति होगला शांति होगला मन तेणु अतिथि जड़े आसिले जदि आम चर्चा न करी पारुचे ना भोजन दे पारे ना पानी दे पारे अंत तो मधुर कथा कह मीठा कथा टी कह प्रिय वाक्य प्रदान एन सर्वे तुष्यंत जंतव तस्मात तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता मधुर कथार किए कौन के दरिद्र हो जाए मधुर विनय वचन कही तोषिव प्राणी मन मधुर कथा द्वारा प्राणी मान को अंत संतुष्ट करिबा आम समस्तिंकर कर्तव्य चक्रवर्ती सम्राट महर्षि मनुंकर पदार्पण परे महर्षि कर्दम तंकु आतिथ्य प्रदान करुछन्ते मधुर वाक्य द्वारा कौन कहुछन्ति रविश शांक अग्निज इंद्र वरुण बात धर्म गोविंद 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 पद गाड़ू मकरंद अष्ट दिगपाल तेज एणु क्षेत्रिय अष्टभुज गोविंद 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 पदुगाड़ुचि मकरंद एणु तू मंकु नमस्कार तू धर्म मूर्ति नृपवर गोविंद 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 पदुगाड़ुचि मकरंद बोले श्रीमद भागवत भगवान की बड़ा विचित्र कथा संथ महापुरुष बोली निजे एकांग चक्रवर्ती सम्राट महर्षि मनु आसी प्रणाम निवेदन कले करदम ऋषि पाखरे किंतु करदम कौन करुछंती देखंतु करदम कहुछंती आपणकर पावन पदर जपड़ी मो आश्रम आज पवित्रित हो जाइछि धन्य करिछंती मते आपण साधु जनक रक्षार्थी तुम्बा भ्रमण ये जगते हे महाशय प्रकृतरे रवि शशांक अग्नि जम इंद्र वरुण बात धर्म ये जो आठ जन देवता ये अष्ट दिग पाल तेज एणु क्षेत्रीय अष्टभुज महाराज ये जो आठ जन देवता आपणकर अष्टभुज सदृश तेणु आपण मध्य प्रणाम्य आपण मध्य नमस्य जेतु साधारण व्यक्ति मान भितर राजा होती नररूपी नारायण एणु तुम्हकु नमस्कार तू धर्म मूर्ति निरूपवर हे धर्मर साक्षात प्रतिमूर्ति हे महाराज
ମନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏପଟେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ, ତେଣେ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟଦିଗପାଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବରୁଣ ଅଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ବାୟୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏ ଆଠ ଦେବତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିବାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର କଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ କେହି କେବେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସିଏ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରେ, ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି, ଏ ଅହଂକାରୀ ଲୋକ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ତାର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନା। ଆରେ କିଏ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଂ ଖଲେଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ସକଳ ଘଟି ନାରାୟଣ ସିଏ ରାମମୟ ସବଜଗ ଜାନି, ସବୁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅହଂକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇକରି ଆରେ ବାବା ସେ କାହାକୁ ଟିକିଏ ହାତ ଟେକିବେନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କି ନମସ୍କାର ଟିକିଏ ହଉ ବା କୌଣସି ଗୁରୁ କେବେ କରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଟା ବୋଧେ ନିକୃଷ୍ଟ କାମ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାରାମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନଂ ହୃଦୟେଷୁ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ। କୀଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣେ ବସଇ ଆତ୍ମାର ପ୍ରମାଣେ, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଈଶ୍ୱର ବସେ ସର୍ବଦେହେ ଏ ଘେନି ନବୁଛି ନିର୍ଭୟେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବି ହସ୍ତେନି ସୁନି ଚୈବ ସ୍ୱ ପାକେ ଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନ, ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସବୁଠି ଭଗବାନ, ସବୁଠି ଭଗବାନ, ସବୁଠି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣମ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ନମସ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ସବୁଠି ଦେଖିଲା ଆଉ ତାର ତପସ୍ୟାରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ଅନ୍ତର ବାହାରେ ହରି ଯେକରେ ଦର୍ଶନ, ତପସ୍ୟାରେ ତାର ବା କିବା ପ୍ରୟୋଜନ? ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ହରି ଯେ ନ କରେ ଦର୍ଶନ, ତପସ୍ୟାରେ ତାର ବା କିବା ପ୍ରୟୋଜନ? ତେଣୁ ଆଜି ମହର୍ଷି କର୍ଦ୍ଦମ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁକୁ ଧର୍ମମୂର୍ତ୍ତି ଧର୍ମର ଅବତାର ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ କହୁଛନ୍ତି, ରଥ ଆରୋହୀ ତୋ ବିହାର ଅସତ ଜନ ଗର୍ବହର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଘୋର ଗର୍ଜନ ଧନୁର ବେ ଉଦନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମ ଉତ୍ସବେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବେଷ୍ଟିତ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳି କମ୍ପାଇ ଅବନି ମଣ୍ଡଳି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମହାରାଜ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, କର୍ଦ୍ଦମ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ରଥ ଆରୋହଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ରଥରେ ଚଢ଼ି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଅହଂକାରୀ ଗର୍ବୀ ସେ ଭୟ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଅସତ ଜନ ଗର୍ବହର ଗର୍ବୀମାନଙ୍କର ଗର୍ବହରଣ ହେଇଯିବ, ଘୋର ଗର୍ଜନ ଧନୁର ବି ଉଦଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ ଉତ୍ସବେ, ବିଷ୍ଟିତ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳେ କମ୍ପାଇ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ। ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ବା ରଥ ଉପରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦଣ୍ଡ ଦୁଷ୍ଟ ପାପିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟୀ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରିବେ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ ତେଜ ଧରି କ୍ଷେଟ ଖରବଟ ବନଗିରି, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶେ ସାବଧାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଏ ପ୍ରମାଣେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସାଧୁସନ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରି ପ୍ରଜାମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା। ଯଦି ଏହା ନ କରିପାରିବେ, ଏହା ନ କରି ଯେବେ ଘରେ ସୁଖ ଶୟନେ ନିଦ୍ରା କରେ, ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏଇ କାମ ନ କରିକିରି ଘରେ କେଲ ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇଲା,
से आउ क्षत्रिय पदवाच्य नुहे तेबे असत रिपुबल नासंती भुवन मंडल तेणु शत्रु माने कण करती तारी राज्य प्रवेश करी ताकु विनाश करी थांती। आपण जेमती कृपार बारी वर्षण करुचंती, आपण जेमती प्रजा मानकु सुंदर भावरे पुत्रवत पालन करुचंती, आपण प्रणम्य आपण निश्चिंत भावरे नमस्कार योग्य। तथापि पुछु हे राजन जे अर्थे तुम्भ आगमनम गोविंद 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 पद गड़ुछि मकरंद तुम्भर प्रिय भाव जे ही सुहृद भावे करिबाई गोविंद 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 पद गड़ुछि मकरंद हेमंत कही राजा गे कर्दमति सौभागे गोविंद 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 पद गड़ुछि मकरंद विष्णुर वचन सुमारी अधिक प्रिय भाव करी गोविंद 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 पद गड़ुछि मकरंद से मुनि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे गोविंद 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 पद गड़ुछि मकरंद बोली श्रीमद भागवत भगवान की। बड़ विनम्रतार सहकारे आज पचारुचंती कर्दम ऋषि तथापि पुछुए राजन जे अर्थे तुम्ब आगमन हे महाराज तो केड़ बड़ कृपा आपणकर आज ये आश्रम आपणकर पदार्पण होती तुम्हार प्रिय भाव जी सुहृद भाव कह आपण जहाँ आपणकर दरकार आपड़ जमी कथा चाहिए निजर सुहृद निजर भाई भावी निजर आत्मीय भावी आप निसंकोचरे मत कह सुहृद भाव कर मु निजर निज लोक भावी आपण जहाँ इच्छा करेंगे अवश्य ता पूर्ण करी कहीं आपण एकांग चक्रवर्ती सम्राट आपण चाहिए कौन बा नही पार जहाँ पाखे आठ जन दिगपाल विराजमान करे निजे सर्वेसर्वा सर्वनियंता पाखे असुविधा कौन अच्छी मुझण इच्छा निश्चय पूर्ण करी आपण कृपा कर हूँ तो जिते आज कर्दम ऋषि पचारिंटे कथा को आज जगन्नाथ दास कहते से मुनि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे एठी एक विंश अध्यायर परिसमाप्ति घटी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे मनुकर्दम संवाद नाम एक विंश अध्याय जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 रक्ष 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 माम बोले जगन्नाथ महाप्रभु की।